Racism! Jindabad! For justice! Jindabad! Pre-party! Jindabad! Pre-party! Jindabad! एक तारुफी दौरा है बेसिकली पार्टी के गठन के बाद। पिछले साल तो कोविड में फंसे रहे, फिर इस साल एक दो बार डिसाइड किया, फाइनली आ जाए। हमने कहा पुंछ के आवाम ने हमें हमेशा मोहब्बत दिया है, आज इनको ये तो बताएं ये पार्टी क्यों बनी और इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा है, और इनको एश्योर करने के लिए कि जो 370 और 35 ए हमसे हटाया गया, हमारी रियासत को जो डाउनग्रेड किया गया है, इसकी हुसूली का रोड मैप क्या है अपनी पार्टी का, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ हैं। अल्ताफ साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जलसों में बहुत भीड़ है, यहाँ पे कोरोना तो नहीं है लेकिन स्कूलों के लिए कोरोना क्यों है सर? ये बदकिस्मती है, मुझे लगता है ये सरकार को सोचना चाहिए, क्या ये किसी मेडिकल बेसिस पे लोगों को बंद कर रही है या कोई और साजिश है कि यहाँ बच्चे अनपढ़ ही रहें। तो सर, पहाड़ियों का जो है मसला जो है वो बहुत गरमाया हुआ, तो आपकी पार्टी का जो है वो क्या मौका? देखिए, हम सब
जम्मू कश्मीर के वासी हैं, अगर कुछ मिलता है लेना चाहिए। सर इसमें देखिए, कहते हैं ना अगर कुछ देते हैं तो लेना चाहिए। सर जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद क्या लगता है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है? कि मैं तो बड़ा साफ गो आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, कोई कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट? आप लोग मीडिया वाले आप बताओ, आपने देखी होगी, अगर अक्षबंद कहीं की है हमें भी दिखाओ। जैसा कि सर आपने अभी ये एक चीज़ वादा किया है लोगों से कि अगर आपकी पार्टी बनती है तो पानी और बिजली फ्री देंगे। नहीं, हम देखिए हम तो ये वादा ही नहीं करते हैं, हम ये कमिटमेंट है, दिस विल बी ए कमिटमेंट, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। जैसे आपको मालूम है जिस वक्त पार्टी का गठन हुआ हमने तीन चीज़ें कोर एजेंडा में रखी थी, वो ये था कि हम जब तक 370 और 35 वापस आएगा तब तक हम एक सेफ्टी वैल्व लाएंगे। हमने लाया नौकरियाँ सब बच्चों के लिए रिजर्व करवाई, हमने ज़मीनों का तहफ़ किया, एक वोट लोगों से नहीं लिया कि कोई वोट तो नहीं लिया ना, हमने स्टेटहुड का कहा है, इसी तरह हम पानी बिजली हेल्थ सेक्टर एजुकेशन। आप ये कहते हैं अभी शर्म की बात है, अभी तो 70% जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। मतलब दिन दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे है, जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हों तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में, वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किलात होती हैं उनका अजाला होता है। लेकिन अफसरशाही है, इनको पता है हमारा टेन्योर 2 साल के बाद